हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन ऑटो कार। आज हमारे सामने खड़ी हुई है VXI CNG, यह है सेलेरियो। बिल्कुल टमाटर में खड़ी हुई भाई, देख रहे हो कितनी जबरदस्त लग रही है, और इसमें कुछ एक्सेसरीज भी लग रही है, वो भी डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ लगी हुई है। तो इसका एक्स शोरूम प्राइस मैं आपको एंड बताऊंगा, तो वीडियो बने रहेगा। एक छोटा सा वॉक अराउंड रिव्यू वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो भाई फ्रंट लुक को आप यहां से शुरू करते हैं भाई, तो यहां पर मिल जाती है हैलोजन रिफ्लेक्टर में आपको हेडलैम्प इंडिकेटर, आपको हैलोजन मिल जाएंगे। नीचे आपको फॉग लैम्प जो है आपको एसेसरी से मिलने वाले, ये भी आपको एसेसरीज में मिल जाएगा भाई, ठीक है। और फ्रंट में चलते हैं तो भाई आपको जो ग्रिल है, सेकेंडरी ग्रिल कुछ इस तरीके से चमकती हुई ब्लैक में, और नीचे आपको जो रेड पोर्शन दिख रहा है भाई कमाल का लग रहा है, और ग्रिल इसकी ये मिल जाती है। और बीच में आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है, अपना क्रोम में अपना सुजुकी का लोगो जो कि काफी जबरदस्त लग रहा है। बीच में आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है। चलते हैं भाई साइड प्रोफाइल की तरफ, तो यहाँ चलते हैं। ये मिल जाता है स्टील रिम टायर जो कि व्हील कैप के साथ आता है। इसका जो प्रोफाइल है 165/70R14, यानी 14 इंच का आपको टायर मिल जाता है। व्हील कैप जबरदस्त और ब्लैक पेंटेड टायर मिल जाता है आपको, स्टील जो है ना स्टील की मिल जाती है। बाकी ये देख रहे हैं आप पूरी एसेसरीज में लगी हुई है सारी, स्लाइडिंग इसकी जो देख रहे हैं। और साइड में चलते हैं तो भाई यहाँ पर आपको फेंडर में इंडिकेटर, और यहाँ पर आपको ORVM इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिल जाते हैं, और यहाँ पर इसका जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ मिल जाती है, ठीक है। फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये मिल जाता है, ये सनवाइजर देख सकते हैं, ये आपको एसेसरीज का पार्ट है। पूरा साइड प्रोफाइल देख लीजिए, पैडिंग भी देख रहे हैं, ये भी एसेसरीज में लगी हुई है, ये भी एसेसरीज में लगा हुआ है। बाकी डोर हैंडल आपको अपने बॉडी कलर में, और ए पिलर बी पिलर अपना बॉडी कलर में मिल जाता है। तो चलते हैं भाई रियर प्रोफाइल की तरफ, थोड़ी जगह कम है, यहीं अपना एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ आपको मिल जाती है भाई टेल लैम्प, रिवर्स पार्किंग लाइट, और जो कि इंडिकेटर मिल जाता है भाई, रिफ्लेक्टर यूनिट मिल जाता है, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और यहाँ पर जो देख रहे हैं भाई, ये देख रहे हैं सुजुकी का लोगो, ये अपना बॉडी कलर में, ये डोर ओपनर मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एसेसरीज की जो इसकी लिस्ट है वो ये लगी हुई है, आप पॉज करके देख लेना, आई होप कि आपको सब दिखाई दे रहा होगा, सीट कवर से लेके डोर ग्रिल स्टील ग्रिल वगैरह विंडो फ्रेम किट ये सब, ठीक है। तो ये 16 इसमें जो लगी हुई है आइटम लगे हुए हैं एसेसरीज के, तो CNG वेरिएंट है, ठीक है ना। तो ये पूरा पीछे का लुक मिल जाता है, सेलेरियो की बैचिंग मिल जाती है। चलते हैं अब अंदर की तरफ, तो अंदर आपको ले चलते हैं भाई, डोर ट्रिम दिखा दो, आपको डोर ट्रिम आपको कुछ मिल जाती है, ये भी देख रहे हैं ये एसेसरीज में लगा हुआ है जो कि कमाल का लग रहा है भाई देखने में। तो भाई यहाँ पर आपको जो स्पीकर है वो एसेसरीज में लगे हुए हैं पूरे, और ये आप मैप पॉकेट देख सकते हैं, बोतल वोटर देख सकते हैं, ग्रैब हैंडल और डोर ओपनर डोर लॉक देख सकते हैं भाई, कुछ इस टाइप का मिल जाता है भाई। लेदर में जो है एसेसरीज में ये सीट कवर लगा हुआ है जो कि जबरदस्त लग रहा है, ठीक है ना। बाकी रिक्लाइन एंगल एडजस्टमेंट मिल जाता है सीट पे, तो चाबी आप देख सकते हैं जो कि विदाउट रिमोट की है। बाकी सेंट्रल लॉकिंग चेक कर लेते हैं, अगर आपको मतलब रिमोट से ही मतलब रिमोट नहीं मिल रहा तो सेंट्रल लॉकिंग एटलीस्ट होगी, ठीक है। ये देखो भाई पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है, मैंने दरवाजे से लॉक करा, सॉरी लॉक हुआ नहीं मेरे से, अब हुआ लॉक, ठीक है। तो भाई लॉक हो गया, तो भाई चाबी से आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ हो गई, मतलब ये नहीं है कि आप अगर निकल रहे हैं तो टेंशन की वाली बात कि आप गाड़ी लॉक करनी पड़ेगी सारे दरवाजे मैनुअली, तो वो टेंशन खत्म है। तो अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ, यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो ये देख रहे भाई कितना जबरदस्त इंटीरियर लग रहा है, रेड में ये मिलते हैं, मेटेलिक में अपने सराउंडिंग के साथ में, ये सब एसेसरीज का पार्ट है सारा, ठीक है ना। और ये आपको ये अपना क्या है, ये AC वेंट मिल जाता है, यहाँ पर CNG फ्यूल कन्वर्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, और अपना ये फॉग लैम्प का बटन मिल गया यहाँ पर, क्योंकि अब इसमें एसेसरीज में ऐड हो चुका है, पुश स्टार्ट बटन की वजह से जगह यहाँ पर है। तो अंदर की तरफ आ गया हूँ भाई, तो बात कर लेते हैं भाई इसके एडजस्टमेंट की, इसमें आपको क्या क्या एडजस्टमेंट मिल जाती है। इसमें आपको स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट का मुझे लीवर जो है ना मेरे हाथ में अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो ये स्टीयरिंग जो है आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं मिल रही है, ठीक है ना। बाकी मैं आपको इग्निशन दिखा देता हूँ, इसका क्लस्टर जो कि कुछ कुछ वैगनार जैसा लगेगा आपको देखने में, ये रहा CNG अपना, ये हो गया अपना पेट्रोल, बाकी जो ओडोमीटर स्पीडोमीटर हमारा ये हो गया, बाकी इंजन की लाइट्स वगैरह, और यहाँ पर आपको ये लीवर मिल जाएगा जो कि हम ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह और टाइम वगैरह डोर वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं भाई। ये मिल जाता है अपना वाइपर स्टॉक, अपना ये हेडलैम्प के स्टॉक, यहाँ आपको ये मिल रहा है एसेसरीज का पार्ट, ठीक है ना। बाकी पावर विंडो, ये हजार्ड लैम्प हो गया, पावर विंडो वन टच डाउन है, ठीक है ना, और वन टच अप नहीं है,
बाकी सेंट्रल लॉकिंग यहाँ भी मिल रही है आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया पावर विंडो लॉक, ये अपनी इधर की विंडो की लॉक होगी, को ड्राइवर साइड का एसी मैनुअल कंट्रोल मिल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है और बीच में आपको दो बोतल होल्डर, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है भाई आपको अपना मोबाइल होल्ड, मोबाइल रखने की स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर 5-speed गियर मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है। यहाँ पर जो ये देख रहे ना रेड रेड और ये ग्रेजिश, ये देखो भाई ये एसेसरीज में लगा हुआ है। बाकी ये हमें मिल जाता है अपना हैंड ब्रेक, या भाई कब मतलब जबरदस्त मॉडिफिकेशन करवाई है भाई, देख लो। ये मिल जाता है अपना ग्लव बॉक्स, दो एयरबैग मिलते हैं, ये भी देखो भाई क्या मस्त लग रहा है टेक्सचर भाई, देख लो इंटीरियर में आप इंटीरियर देखो भाई। ये मिल जाता है अपना मैनुअल डे नाइट एयर वीएम, वो ये मिलता है अपना क्या मिलता है, ये है भाई सनवाइजर टिकट होल्डर के साथ में, 3 ऑप्शन के साथ में हैलोजन अपनी लाइट, और ये मिल जाती है अपने क्या है अपना वेंटिलिटी मिरर जो कि को ड्राइवर साइड में। यहाँ ग्रैब हैंडल फिक्स मिल रहे हैं, और ये देखिए पीछे की साइड, यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया है सारी चीज़ें, वैसे ये बंद कर देते हैं भाई यहाँ पर। तो यहाँ से मैं देखो ओपन कर दिया भाई, सेंट्रल लॉकिंग से सारे दरवाजे खोल देते हैं। बाकी ABC पैडल मिल रहे हैं, डेडिकेटेड डेड पैडल तो नहीं कहूँगा इसको आप, लेकिन डेड पैडल का यूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है भाई आपको। तो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, चलते हैं अपने रियर केबिन की तरफ। रियर डोर ट्रिम पे भी भाई देखो कितना जबरदस्त अपना देखो मॉडिफिकेशन करा रखी है। यहाँ पर भी आपको जो है स्पीकर नहीं मिलेंगे, बोतल होल्डर और मैप पॉकेट मिल जाएगी, और अपना ये जो है सिल्वर में आपको ये डोर ओपनर डोर लॉक मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये है पूरे इसकी रियर डोर की अपना रियर केबिन की डोर ट्रिम। चलते हैं भाई अंदर की तरफ। तो ये लेदर में जो दिख रही है भाई सीट भाई, ये जबरदस्त लग रही है। बाकी बैग भाई इसके साथ नहीं आ गया गाड़ी के साथ, ये मेरा अपना बैग है। आगे लेग रूम और नी रूम का तो भाई जबरदस्त जवाब, कुछ कह ही नहीं सकते भाई, भाई जबरदस्ती होता है भाई मारुति की गाड़ी में। ये देखो यहाँ पर भी देख रहे हो इतनी जबरदस्त फिनिशिंग कराई है। तो ये मिल जाते हैं पावर विंडो, रियर पावर विंडो मिल जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी फिक्स्ड ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं भाई। तो अब चलते हैं पीछे की तरफ, रहते हैं पीछे की तरफ, ये खोलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको वैसे तो भाई 313 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन अब CNG लग चुकी है इसमें, ठीक है ना। तो ये CNG का पूरा अपना जो देख रहे हैं ये मिल जाता है पूरा सिलेंडर, और पार्शियल ट्रे मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आपको जो ये लगा हुआ मिल जाता है अपना स्पेयर टायर, ठीक है ना। बाकी ये अपना स्पेस काफ़ी मिल जाता है, फिर भी अपने यहाँ पर कुछ सामान रख सकते हैं अपना। अगर मैं इसको पार्शियल ट्रे को थोड़ी सी मैं अगर देखूँ गिराकर तो कितना बड़ा बैग आ सकता है अंदाज़ा लग जाएगा थोड़ा। तो ये कुछ इस तरीके से आपका कवर तो हो जाएगा, एक फैमिली का सामान तो आराम से आ जाएगा इसमें अगर लंबे ट्रिप पे निकलते हो तो, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये चीज़ें मिल जाती हैं भाई यहाँ पर, ये भी चीज़ मिल रही है भाई। चलते हैं अब इसके इंजन बे की तरफ। तो ये है भाई इसका इंजन बे, जिसको खोलने के लिए भाई आपको कुछ इस तरीके से ये वाला बटन क्लिक आ गई, अच्छा ये वाला क्लिक थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। बाकी ये इंजन बे मिल जाता है, इसमें 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो कि 55 BHP की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है और 82 Nm का टॉर्क जनरेट करता है भाई। और ये हमें जो CNG में खड़ी हुई है इसकी जो एराई माइलेज है भाई वो 35 किलोमीटर पर KG के हिसाब से, और इसकी पेट्रोल की बात करें तो वो 25 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से दे देती है भाई। बाकी इसमें ABS विद EBD का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ आपको वाटर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, ये पूरा इंजन बे मिल जाता है इसका, ठीक है ना। तो हम इसको बंद कर देते हैं। तो ये पड़ती है आपको एक्सशोरूम प्राइस है भाई 6,73,500 का, CNG में है जबरदस्त, और कलर भी भाई जबरदस्त लग रहा है। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको ये कलर कैसा लगा। बेस्ट स्टील चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और मोटर क्राफ्ट अपना ये मारुति सुजुकी अरेना का शोरूम है, यहाँ पर भी आके विजिट कर सकते हैं। वो सब एड्रेस वगैरह लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।